जी विक्रांत, फिर तनवीर से कहूंगा मैं कि वो भी जरा बहुत देर से खामोश बैठे हैं, विच इज नॉट वेरी यूजुअल ऑफ तनवीर जी, आपको पता है विक्रांत। देखिए एसीसी अहदेदार कह रहे हैं, वो बीसीसीआई सेक्रेटरी भी हैं, वो बीसीसीआई सेक्रेटरी भी हैं, और एक सवाल पूछा इसकी वैसे और एहतियात करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से उनको। जी जी नहीं, मैं ये कह रहा था बेसिकली क्या हुआ कि चूंकि एक एफटीपी आया, मैं समझता हूँ आपकी बात, एक एफटीपी आया था, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं, एफटीपी आया इंडिया का, उसमें लिखा था एशिया कप इन पाकिस्तान, वो इंडियन मीडिया में आया कि जी इंडिया की टीम पाकिस्तान जाएगी, वो सवाल उनसे पूछा गया क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान जाएगी, उन्होंने कहा जी हम न्यूट्रल कंट्री प्रेफर करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट हमें क्लियरेंस नहीं देती है, उन्होंने कहा और ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, आप इस लफ्ज को समझिए, उन्होंने कहा ये अनप्रेसिडेंट नहीं है क्योंकि ये इतने साल से हो रहा है, इसके बियॉन्ड सिक्योरिटी हो या डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, मैं सवाल आपसे ये भी पूछता हूं कि क्या पाकिस्तान की आउटरीच हुई है, अगेन क्रिकेट की मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं क्रिकेटर क्रिकेट फैन या क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, भाई इमरान खान साहब जब थे प्राइम मिनिस्टर तब क्या हमें लगता था यार शायद दोनों के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी होगी, तब भी नहीं हुई, सो ऐसा वक्त वक्त होता रहा है, और मुझे लगता है कि अब अगर हम वर्ल्ड कप पे ही आ जाए तो ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे तो अंदाजा लगाइए आपके और हमारे प्लेयर जो है वो मैच छोड़ के इन सब बातों पे आ जाएंगे। विक्रांत भाई वही मैं कहने लगा था, 11th आवर शुरू, वही कहने लगा था 11th आवर शुरू हो गया, कामरान क्या कह रहे हैं, कैसा लग रहा है, सियासी काम शुरू हो गया। लेकिन तनवीर जी, जी जी, और हम तो क्या बस एक सिर्फ आखिरी पॉइंट तनवीर, कि हमारा तो पॉइंट ही है कि अगर वो ये कहते हैं कि सरकार डिसाइड करेगी तो बात ही खत्म, चूंकि उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया कि न्यूट्रल वेन्यू पे होगा इसलिए बेहतर है, लेकिन ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द वर्ल्ड कप अगेन। जी तनवीर, ये जितने भी दो तीन दिन से मैं डिस्कशन हम लोग सुन रहे हैं, देखिए ये क्या शेड्यूल का हिस्सा नहीं था, ये जब शेड्यूल बना था उस टाइम किसी को नहीं पता था कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है वो पाकिस्तान में खेला जाएगा। दूसरी बात ये, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा सबकी बातें कि जी आईसीसी का टूर्नामेंट होगा तो फिर हम मना नहीं कर सकते, मतलब क्या आईसीसी का टूर्नामेंट की ही सिर्फ वैल्यू रह गई है, आईसीसी के टूर्नामेंट में इतने क्रिकेट बोर्ड्स हैं सिर्फ उनको अच्छा दिखाने के लिए मना नहीं किया जाएगा, अगर आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता तो क्या इंडिया की टीम आएगी वहां पे? दूसरी बात यह कि एसीसी के टूर्नामेंट की कोई वैल्यू नहीं है, उसमें 6-7 आपकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, अगर गवर्नमेंट ने मना किया जिस तरह आप लोग सब कह रहे हैं कि जी वहां से ऐसा लगता है कि शायद उधर से ना हुई है, तो ठीक है अगर वहां से ना हुई है तो क्या जय शाह को बैठ के सबके साथ मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी कि भाई वहां से हमें मुश्किल हो रही है, ये सख्ती हो रही है, हम नहीं कर सकते, उन्होंने अकेला ये फैसला कर लिया। देखें मैं ये समझता हूं कि जबरदस्ती अपनी एक गलत चीज को छुपाने के लिए इस किस्म की बात की जा रही है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज थी ही नहीं, अगर आप सब क्रिकेट बोर्ड को बिठा के आपस में बात करते कि जी ये है तो फिर हो सकता था। दूसरी बात ये कि सुने विक्रांत भाई, बात पूरी हो विक्रांत भाई, एक मिनट बात हो रही है विक्रांत भाई, एक मिनट ना, मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी, सर मेरे फैक्ट गलत है या नहीं है, लेकिन मैं जो दो तीन दिन से सुन रहा हूँ, नहीं होना था, लेट मी करेक्ट यू, मैं जो दो तीन दिन से चीजें सुन रहा हूँ मैं तो यही सुन रहा हूँ सर, आपको फैक्ट्स ही नहीं, अच्छा मुझे मुझे भाई मुझे पाकिस्तान को अलॉट, अच्छा विक्रांत भाई मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, मेरे एक सवाल का जवाब दे दें, अगर आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा, इंडिया का मैच पाकिस्तान में होगा, आप लोग मना करेंगे या नहीं मना करेंगे, मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें, तो इंडिया आएगा तो फिर एसीसी में क्यों नहीं आएगा, तो फिर एशिया कप में क्यों नहीं आएगा, अच्छा एशिया कप में क्यों नहीं आएगा फिर वो सिक्योरिटी कंसर्न, नहीं तो एशिया कप में क्यों नहीं आएगा, 2008 से हुआ है इंडिया पाकिस्तान में, नहीं आएंगे क्यों नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट और एसीसी, ठीक है अगर एसीसी का वजूद नहीं है तो नहीं है, तो फिर ये किस लिए से साथ आ रहे हैं, आप 2008 से मुझे बता दें कौन सी ऐसी एशिया कप हुआ है, आप बात को खींच रहे हैं सर, खींच नहीं रहे, आप अभी तक देखिए आप वहीं पे रुके हुए, आप 2008 उस सब की बात करें, क्या चीजें बेहतर करने की जरूरत नहीं, आप मुझे ये बता दें क्या मिलके, क्या मिलके, क्या सुने मेरी बात, मेरी बात सुने, क्या विक्रांत भाई ठीक है, विक्रांत दिख रहा है बेहतर, भजी भाई अगर आप कमेंट करना चाहें, वरना जी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ क्योंकि बतौर हाँ, तो भाई आईसीसी के वर्ल्ड कप में भी फिर वही सिक्योरिटी कंसर्न है, उसमें फिर कैसे इतने आराम से आ जाएंगे, बात वाजिब है, आप मेरी बात सुनिए, देखिए रमीज रजा का एक एक साल पहले बयान आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है,
या फिर बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट सर्वाइव कर रहा है। अगर आपको लगता है आपने नहीं आना है भारत तो मत आइए ना, कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने हैं, आपने नहीं आईसीसी इवेंट खेलना है तो वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। वो तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। सवाल तो मेरा सिर्फ ये था, आप इस पे झगड़ा करने के तुल गए, अगर आप नाराज हो रहे हैं हम तो सब मुस्कुरा रहे हैं। सवाल सादा सा ये है, अगर आपको फर्ज करे इस स्टूडियो में आपको सिक्योरिटी इश्यू है, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं आईसीसी खेलने के लिए आऊंगा, तो आईसीसी में सिक्योरिटी इफ इट इज नॉट अबाउट ईगोस एंड इफ इट इज अबाउट सिक्योरिटी इशू तो फिर आप कहिए मैं आईसीसी को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आऊंगा। आप ये कहिए फिर गारंटी कि वहां पे क्या सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, दुनिया की नामवर टीम अभी खेल कर गई है और फर्स्ट क्लास गई। आपका अगर अच्छा वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, इंडियन क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी नहीं आएंगे। Indian cricket can still survive without Pakistan. Sir, ye and if you guys Vaseem bhai, Arbhajan sahab abhi keh rahe hain na hum nahi aayenge, mera inko challenge ab ICC ke tournament mein Pakistan mein world cup hoga na aaye to mujhe bataye mujhe phir bolega. सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें फिर मेरी और आपसे बात होगी, उस टाइम आप कह दीजिएगा कि हम नहीं आ रहे हैं टूर्नामेंट में। एक बरादराना मशवरा ले लें, दो साल पहले यही दिन थे, यही वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान इंडिया का मैच था, आपने बहुत बड़ा बोल दिया था, आपको गले पड़ गया था, तो ना बोले इतने बड़े बोल, ठीक है लेट्स मतलब जरा इसको इजी रखते हैं ना, इसमें इतना गुस्सा, आपने देखे पहले भी एक जुमला बोल दिया था पाकिस्तान को वॉक और 10 विकेटों से जीत गए थे, तो छोड़े भी इस तरह की जज्बाती बातों को। भारतीय क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, और पाकिस्तान क्रिकेट को भी भारतीय क्रिकेट की जरूरत नहीं है। जब रमीज राजा साहब ने वो नहीं कहा जो आप कह रहे हैं, आप स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं। मैंने तो विक्रांत जी के सवाल को आगे बढ़ाया, विक्रांत जी वेरी कैटेगोरिकली सेड, हमने कहा है कि विक्रांत जी वेरी कैटेगोरिकली सेड कि हम आईसीसी के इवेंट्स में आएंगे, आप कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, ठीक है आप दोनों की राय में इख्तलाफ है, बिल्कुल सही, कुछ चीजें वहां ठीक करनी बस ठीक है, आप दोनों की राय में इख्तलाफ है, बिल्कुल ठीक। विक्रांत जी ने कहा कि हम आईसीसी में आएंगे, इसलिए मैं वही सवाल लेके आगे बढ़ा कि वही सिक्योरिटी कंसर्न्स का आईसीसी में क्या होगा, आपने कहा आईसीसी में मैटर नहीं करती, ठीक है मैटर कैसे करेगी। मेरा सिंपल पॉइंट ये है, आप देखिए आप ना जी जी विक्रांत जी वसीम ऐसा है कि आप ना हाइपोथेटिकल्स में चले गए हैं, जैसे कामरान भाई ने बोला कि जी वर्ल्ड कप का मैच ना खेलें, भाई उस चीज की तंकीद होनी चाहिए, हमने तो नहीं की, वो उनका एक मौकिफ है, क्यों है मौकिफ, क्योंकि वो वहां पर बैठकर उनके इमोशंस हैं। हरभजन सिंह कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडियन टीम जी सपोज कीजिए फर्ज कीजिए पाकिस्तान में सेफ नहीं महसूस करती, ये उनका मौकिफ है, लेकिन इसमें आप हाइपोथेटिकल, मैंने तो बात शुरू ही यहां से की कि गवर्नमेंट अलाउ ना करे तो ना है, ठीक है में होता है, मैंने तो इतराज ही उठाया कि जिस तरीके से एसीसी ने सिंपल बयान दे कहता हूं कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान नहीं, मैं बात सुन लीजिए सर अरे सर बात तो सुन लीजिए सर अरे बात तो सुन लीजिए 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान को मिला है तो आपको लगता है वो बीसीसीआई के हामी के बिना मिल गया होगा, सो बीसीसीआई वुड हैव आल्सो अग्रीड टू द आईसीसी का चैप्टर ना, कि चलो ठीक है ये 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी होगा। एंड आई थिंक ये भी हो सकता है दो साल में हमारे आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं, भाई अरसों से पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट तो नहीं हुई, पहले भी नहीं ऐसे पहले भी ऐसे गैप आते थे फिर होती थी, सो मुझे लगता है कि ये स्टूडियो में आप या मैं या हम फॉर्मर प्लेयर्स को फुटबॉल बना रहे हैं ये गलत है, भले वो तनवीर कुछ बोल रहे हैं या कामरान बोल रहे हैं या यूनुस भाई बोल रहे हैं सनी भाई बोल रहे हैं हरभजन सिंह बोल रहे हैं मदन लाल बोल रहे हैं वसीम बदानी विक्रांत गुप्ता, आई थिंक ये मैटर नहीं करता है, हम सिर्फ एक फुटबॉल की तरह फुटबॉल बने हुए हैं, मैं आपको किक मार रहा हूं आप मुझे मार विक्रांत जी, क्योंकि हमारे लिए इस वक्त वहां भी पहला स्टेटमेंट आपकी तरफ से आया था, इस प्रोग्राम में भी इस डिस्कशन को आप लेकर आए, फिर आप कह रहे हैं कि फुटबॉल में लेट्स मूव ऑन, ठीक है वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ते हैं, आप सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूं, एक आखिरी बात कहना विक्रांत जी, नहीं नहीं सिर्फ एक चीज ऐड, देखिए विक्रांत जी के लिए तालियां बजा रहे हैं वो कहने देखिए, इसमें सिर्फ एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जिस तरह हरभजन ने उन्होंने ये बात की कि जी हम पाकिस्तान में नहीं आना चाहते वहाँ पे सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, चले जी पाकिस्तान इंडिया जाना चाहता है वहाँ तो सिक्योरिटी का मसला नहीं है, बायलैटरल सीरीज रख ले वहाँ पे, बायलैटरल सीरीज आ जाए खेलने, हम तो हर जगह खेलना चाहते हैं, बट जाहिर इसकी फाइनल डिसीजन तो रेलेवेंट गवर्नमेंट से करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, चलो जी सही है, अब जरा इस पर आते हैं, वो देखिए वो मेरा डिसीजन नहीं है, वो सर जाहिर तो एज ए प्लेयर आपको बता रहा हूं, गवर्नमेंट वो तो देखिए जब सरकार को लगेगा कि हालात ठीक है, तनवीर अहमद जी आप हरभजन सिंह जी से उलझ रहे हैं, क्रिकेट होनी चाहिए तो वो डिसाइड बन रहा है कुछ क्रिकेट होगी, एंड हरभजन इज इक्वली इंटरेस्टेड इन डूइंग सो, कभी नहीं हुआ कि कोई टीम
भारत अच्छा अब ये जाते जाते सब ये बता दीजिए मैच का इस मैच में क्या होगा वाइज कोई दिक्कत हुई हो मैंने ये जरूर देखा है वसीम भाई जी सर विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं मैं कह रहा था नहीं मैं कह रहा हूँ विराट कोहली रोहित शर्मा की जो इंडिया में इज्जत है मैंने देखा पाकिस्तान में उतनी ही इज्जत है ये मैंने देखा है जी जी सिमिलरली लेट मी आल्सो टेल यू कि बाबर रिजवान जितने बड़े पाकिस्तान के स्टार्स हैं उनकी इंडिया में उतनी इज्जत है और बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि हम स्टूडियो में बैठ के लड़ रहे हैं ठीक है हम लोग मैटर नहीं करते जो 22 लोग मैटर करते हैं या 30 लोग मैटर करते हैं मैं जहां पर खड़ा हूं ये एमसीजी यहां से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है यूनुस भाई तो बहुत क्रिकेट यहां पे खेले हैं कामरान भाई भी खेले हैं आई थिंक वो 15 और 15-30 प्लेयर ना वो लड़ने नहीं आए हैं वो मैदान में लड़ेंगे आई थिंक एक चीज जो मैंने देखी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई एग्री प्लेयर खुश है एक दूसरे के साथ मीडिया खुश होता है एक दूसरे के साथ प्लेयर पुराने भी खुश होते हैं एक दूसरे के साथ फैक्ट इज कि ये वर्ल्ड कप का मैच बड़ा है इंडिया के लिए इसलिए बड़ा है क्योंकि हम पिछले साल आपसे हारे थे वो एक्सेस बैगेज भी थी मेरा ये भी मानना है क्योंकि इतने साल से कभी हारे नहीं थे और वो शायद वो होता था हर बार आप उम्मीद करते हो यार हारना नहीं है हारना नहीं है पाकिस्तान की टीम आपकी अच्छी है लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि आपकी बैटिंग जो है वो डिसाइड कर सकती है 160-170 रन आपकी टीम आराम से चेज करेगी लेकिन क्या इंडिया 190 रन बोर्ड पे लगा सकता है 190 रन अगर इंडिया बोर्ड पर लगा सकता है मेरा ये मानना है फिर ये इंडिया की गेम है ओके ठीक है बिल्कुल अब आप बताइए आपका ख्याल एक-एक करके सबसे सबसे पहले तो दुआ ये करेंगे बारिश ना हो सही बात और पूरा मैच हो तो क्या ही बात है उसके बाद जैसे विक्रांत जी ने भी कहा कि अगर इंडिया 180-190 करती है तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल प्रॉब्लम हो जाएगी हो सकता है क्योंकि कंडीशन ऐसी नहीं है सही ये सिर्फ स्किल्स का गेम नहीं है नर्व्स का गेम भी है और जितनी ये हाइप बन चुकी है इस वक्त बल्कि हर दफा ये हाइप बनी होती है अब ये इस दफा और भी बड़ी हाइप है क्योंकि पाकिस्तान ने लास्ट टाइम जो है इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया था और अभी जो अभी एशिया कप है उसमें ही बड़े अच्छे मैचेस हुए तो मेरे ख्याल से गेम यही होना चाहिए दुआ ये कि गेम पूरा हो और बेस्ट टीम वो विनिंग साइड विक्रांत बारिश हो गई क्या आपकी तरफ आपके आसार देख के चेहरे कैसा लग रहा है मुझे कुछ वसीम भाई मैं आपसे इजाजत ले लूं बारिश हो गई बारिश नहीं हो रही है तूफान आ रहा है मुझे भागना पड़ेगा बचे बचे विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू विक्रांत और आई होप मैच के बाद भी हम अरे बरसात सर तूफान ये देखिए 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 अरे 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 थैंक यू वेरी मच सुनील सर को भी बहुत आधार करेगा हमारी तरफ से सारी भाई छाता ढूंढ के लाए सुनील भाई फाइनल कमेंट आप तो सनी भाई मेक करें फिर उसके आपकी बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हो रही थी मैंने सोचा यार इस डिस्कशन से मुझे कुछ लेना देना इस सारे डिस्कशन में सबसे ज्यादा फायदे में सुनील सर रहे हैं मैच का मैं ये कहूंगा कि जब तक आखिरी ओवर में मतलब 40वें ओवर में जब तक 40वें ओवर में अगर रिजल्ट आएगा तो सबसे अच्छी जो भी जीते तो उससे कोई मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन एक बात जाते जाते बस इतना है कि यूनुस भाई जो आपने कहा छोटा मैच नहीं होना चाहिए मतलब छोटा मैच ना टीमों के लिए बड़ा अनफेयर हो जाता है सो थैंक यू वेरी मच